महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर देश में गूंज रहा है हर हर महादेव। देश भर में महादेव के मंदिरों पर भक्तों का तांता बरकरार है, लोगों की भीड़ उमड़ती नजर आ रही है। उज्जैन में भी महाशिवरात्रि का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। भस्म आरती के बाद महाकाल का भव्य श्रृंगार जारी है। श्रीनगर के सीआरपीएफ कैंप में कल की फायरिंग में एक जवान शहीद, लश्कर ने ली जिम्मेदारी। वहीं रक्षा मंत्री सीतारमण ने तीनों सेना अध्यक्षों से बात करके कैंप का हवाई दौरा किया। आतंकी मुठभेड़ के चलते जम्मू कश्मीर के सीएम महबूबा मुफ्ती ने फिर अलापा पाकिस्तान से वार्ता कराई जाए और कहा अगर खून खराबा रोकना है तो वार्ता जरूरी है। राम रहीम के आश्रम पर चला बुलडोजर। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में राम रहीम के अवैध आश्रम पर बुलडोजर चलाया गया। जीडीए ने किया पूर्ण रूप से आश्रम को ध्वस्त। पकौड़ा पॉलिटिक्स के बीच कर्नाटक में राहुल गांधी का 4 दिवसीय दौरा जारी है, जिसका आखिरी दिन है। दरगाह मंदिर में दर्शन के बाद अब राहुल गांधी लिंगायत मठों के दर्शन के लिए जाएंगे। राम मंदिर फॉर्मूला से समर्थन रखने वाले नदवी को ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड से बर्खास्त किया। इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड से बाहर होने पर नदवी के छलके आंसू, कहा खुदा करेगा मेरे साथ इंसाफ। अक्षय कुमार की पैडमैन ने 40 करोड़ का बिजनेस कर लिया है और आने वाले दिनों में इससे अच्छा ही बिजनेस होने वाला है। उम्मीद लगाई जा रही है कि फिल्म 100 करोड़ तक पहुंच जाएगी। यूपी में कई जगहों पर बेमौसम हुई बरसात, देर रात किसानों पर टूटा आफत का पहाड़। हिमाचल में बर्फबारी की वजह से तापमान में गिरावट, कुछ दिनों तक रह सकती है ठंड। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ 24x7।